हेलो वर्ल्ड, दिस इज आरईडी फॉर फिटनेस और स्वागत है आपका शोल्डर सीरीज में। और इस वीडियो में हम फ्रंट शोल्डर के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रंट शोल्डर को हम एंटीरियर डेल्टॉइड भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी एनाटॉमी ऑफ शोल्डर मसल्स वाली वीडियो में समझा चुका हूं, डेल्टॉइड जो होता है वो तीन मसल्स ग्रुप से मिलकर बनता है। पहला होता है एंटीरियर डेल्टॉइड, दूसरा होता है मीडियल डेल्टॉइड और तीसरा होता है पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एंटीरियर डेल्टॉइड या फ्रंट शोल्डर के वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डेल्टॉइड मसल होती है, बेसिकली जो फ्रंट साइड से दिखती है, ये आदमी है तो फ्रंट साइड ये हुआ उसका, वहां से जो मसल्स आपकी दिख रही हैं उसे ही हम फ्रंट शोल्डर बोलते हैं या एंटीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं। तो जो एंटीरियर डेल्टॉइड होती है वो बेसिकली एंटीरियर पोर्शन जो होता है क्लेविकल का या कॉलर बोन का, वहां से ओरिजिनेट होती है और जाके कन्वर्ज करती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या होता है और एंटीरियर पोर्शन क्लेविकल का क्या होता है, ये मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाता हूँ और उसके बाद हम जल्दी से अपना फ्रंट शोल्डर का वर्कआउट शुरू करते हैं। चलिए अब जल्दी से डिस्कस करते हैं फ्रंट डेल्टॉइड की एनाटॉमी या एंटीरियर डेल्टॉइड की एनाटॉमी। तो ये जो 1, 2, 3 मार्क किए मैंने मसल्स, ये डेल्टॉइड मसल है। तो अगर हम इनकी शेप देखें तो इनकी शेप कुछ इस तरीके से है, ट्राइंगल की तरह। तो अगर मैं इस शेप को इन्वर्ट करके लिखूं तो ये शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। और ये एक ग्रीक अल्फाबेट डेल्टा होता है, तो ये मसल्स इस ग्रीक अल्फाबेट डेल्टा की तरह दिखती हैं, तो इसीलिए इनको हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं। अब ये जो पहली मसल है जो मैंने पहली नंबर से मार्क करी है, ये वाली मसल, ये कहलाती है एंटीरियर डेल्टॉइड या फ्रंट डेल्टॉइड, या इसे ही हम कहते हैं फ्रंट शोल्डर। अब इसका ओरिजिन देखें कि ये ओरिजिन कहाँ से होती है। तो ये जो ये पर्टिकुलर बोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये है क्लेविकल या कॉलर बोन। तो ये क्लेविकल का अगर ये वाला पोर्शन देखें, इसी पोर्शन से बेसिकली आपकी एंटीरियर डेल्टॉइड जो मसल्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही है। तो ये क्लेविकल के फ्रंट पोर्शन से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि ये फ्रंट साइड में आएगा तो फ्रंट पोर्शन होगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। तो जो एंटीरियर डेल्टॉइड मसल्स हैं वो जनरेट होती हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल से। और ये सारी मसल्स 1, 2 एंड 3 ह्यूमरस, जो हाथ की हड्डी होती है, ये हाथ की हड्डी है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस, तो वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है। तो वो जो कन्वर्जन पॉइंट होता है वो कहलाता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो अगर हम स्कैपुला का स्ट्रक्चर देखें तो ये कहलाता है स्कैपुला। ये बोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया अपना क्लेविकल या कॉलर बोन। ये पर्टिकुलर कॉलर बोन का फ्रंट पोर्शन हो गया, तो ये फ्रंट पोर्शन हो गया, फ्रंट साइड पे है, तो इसे हम कहते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। और एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, यहीं से निकल के एंटीरियर डेल्टॉइड जनरेट होती है। तो पहली एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप बारबल प्रेस। यहाँ पे आपको बारबल जो है वो क्लोज प्रोनेटेड ग्रिप में पकड़नी है और बारबल ऊपर रेस करते हुए आपको अपना स्पाइनल बैलेंस बना के रखना है और अपना पूरा जो फोकस है वो फ्रंट डेल्टॉइड्स पे रखना है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है आर्नोल्ड प्रेस। यहाँ पे आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और अपराइट पोजीशन में खड़ा होना है और स्टार्टिंग पोजीशन में डंबल को सुपिनेटेड ग्रिप में पकड़ना है। और जब आप डंबल ऊपर की तरफ ले जाएं तो सुपिनेटेड ग्रिप से प्रोनेटेड ग्रिप की तरफ जाना है आपको इन दी ट्विस्टिंग मैनर। और जब आप नीचे ला रहे हैं डंबल तो दोबारा से अपनी रिस्ट को ट्विस्ट करते हुए प्रोनेटेड ग्रिप से आपको वापस सुपिनेटेड ग्रिप पे आना है। और इस एक्सरसाइज में भी आपको पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान फ्रंट डेल्टॉइड पे अपना पूरा फोकस रखना है और आरईडी ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक इंप्लीमेंट करनी है। अगली एक्सरसाइज है टी बार लैंडमाइन प्रेस। इस एक्सरसाइज में आपको बारबल को एक हाथ से पकड़ना है और इस तरह से पकड़ना है कि जो बारबल है वो आपके फ्रंट डेल्टॉइड्स के प्लेन पे आए। अगली एक्सरसाइज है फ्रंट डंबल रेज। यहाँ पे भी आपको जो है डंबल जो है प्रोनेटेड ग्रिप से पकड़ना है और डंबल को आगे की तरफ रेस करते हुए जो है अपना बॉडी का बैलेंस बना के रखना है और कोशिश करिए कि जो आपका फ्रंट ट्रेपेजियस है उसमें मूवमेंट ना हो, वरना सारा इफेक्ट एक्सरसाइज का आपका फ्रंट ट्रेपेजियस मसल्स पे चला जाएगा और पूरा फोकस आपको अपना फ्रंट डेल्टॉइड पे रखना है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है फ्रंट केबल रेज। तो ये भी एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम डंबल की जगह पुली केबल से ही एक्सरसाइज करेंगे। इसमें भी आपको जो केबल है वो प्रोनेटेड ग्रिप से पकड़ना है और जब आप केबल आगे की तरफ ऊपर की तरफ रेज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेपेजियस मसल, जो फ्रंट ट्रेपेजियस मसल है, उसमें कोई मूवमेंट ना आए और पूरा फोकस आपको अपना फ्रंट डेल्टॉइड पे रखना है
ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन। अगली एक्सरसाइज है वो है फ्रंट बारबल रेज। यहां पे आपको एक बारबल को मीडियम से क्लोज प्रोनेटेड ग्रिप पे पकड़ना है और बारबल आगे की तरफ फ्रंट में रेज करते हुए आपको अपना बॉडी का बैलेंस बना के रखना है और कोशिश करनी है कि इसमें भी ट्रेपेजियस फ्रंट ट्रेपेजियस मसल्स जो है वो आपकी मूव ना करे। अगली एक्सरसाइज है फ्रंट प्लेट रेज। यहाँ पे आपको एक प्लेट अपने दोनों हाथों से पकड़ के सामने की तरफ रेज करनी है और इस एक्सरसाइज में खास बात यह है कि जब आप प्लेट को रेज करें मतलब सामने की तरफ उठा रहे हैं तो बहुत स्लो मोशन में उठाना है और पूरा फोकस अपना उठाते हुए इसमें फ्रंट डेल्टॉइड पे लाना है। तो मेन बात यही है इसमें कि आप जो है प्लेट का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो मोशन में स्लो मूवमेंट करें। अगली एक्सरसाइज है वो है फ्रंट हैमर रेज। इसमें आपको एक डंबल अपना दोनों हाथों से पकड़ना है हैमर ग्रिप में और इसमें भी सेम वही बात ध्यान में रखनी है कि आपकी फ्रंट ट्रेपेजियस मसल में कोई मूवमेंट ना हो ये एक्सरसाइज करते हुए और सारा फोकस आपका फ्रंट डेल्टॉइड पे हो ड्यूरिंग द होल रेंज ऑफ मोशन।